अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बेतहाशा हो रही बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस संबंध में मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुक्रवार को पदाना नगर में पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेसियों ने तख्तियां कटआउट और बैनर लगाकर खंडवा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर दोपहर 3 बजे सांकेतिक प्रदर्शन किया। इसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने कोविड-19 का पालन करते हुए मास्क लगाया। इस मौके पर प्रदीप मालवीय, सुरेंद्र जायसवाल, शैलेश राठौर, शांतिलाल शिवला एवं नगर अध्यक्ष वकील पठान सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। आज का धरना प्रदर्शन पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार हर जिला वाइज ब्लॉक स्तर तहसील स्तर पर किया गया है। पंदाना नगर में भी युवक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस इनुसाई द्वारा आज विशेष धरना प्रदर्शन किया गया है महंगाई के खिलाफ, और जो आगे महंगाई बढ़ती जा रही है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर समय रोड पे आने के लिए अति शीघ्र बहुत जल्द आएगा और देश में और प्रदेश में जो सरकार दिन आए दिन पेट्रोल डीजल गैस रसोई गैस के दाम बढ़ाई जा रही है, कोरोना को देखते हुए गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों को जीना दुश्वार हो रहा है। हमारा इस धरने के माध्यम से सांकेतिक बताना चाहते हैं कि अपनी और से सरकार भाव कम करें, नहीं तो इसके आगे उग्र प्रदर्शन होगा। खंडवा से राम भवन नायक की रिपोर्ट।